ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं पता कि सफलता की शुरुआत पसीने से होती है, लेकिन तुम्हें तो आराम पसंद है। क्यों? कौन अब किताब उठाए, उसके सवाल करे, वो भी तब जब पूरी दुनिया इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपने स्टेटस डाल रही है, इंजॉय कर रही है, और तुम घर में बैठ के पढ़ लो ना। ये खासकर वीडियो बना ही रहा हूँ मैं अपने उन स्टूडेंट के लिए जिनको आराम और कष्ट ये दो बड़े विपरीत लगते हैं। उनको कष्ट से दूरी होती है और आराम से प्यार। और तुम हो कौन? तुम वही हो ना जो हर साल आते हैं कि सर मेरे बगल वाले उसका सिलेक्शन हो गया, उसका एक रिलेटिव था उसका सिलेक्शन हो गया, इस साल तो मैं कर दूंगा। दो दिन में तुम्हारा कलेजा बौखला उठता है किसी और की सफलता देखकर, है ना। और तुम चाहते हो कि अब मैं पूरा सब कुछ कर दूंगा, ये फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, रैंक वन ले आऊंगा, और तीसरे दिन फुस। जिस तरह से तुम कष्ट करने में हिचकिचाते हो ना, उसी तरह से सफलता तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती। आए हो, तुम्हारी दिक्कत जानते हो क्या है? तुम रहते हो कंफर्ट जोन में, आराम चाहिए, और जहाँ तुम्हें कंफर्ट चाहिए सक्सेस वहाँ नहीं मिलती, सक्सेस तो दूर होती है। ये है तुम्हारा कंफर्ट जोन, यह है सफलता नहीं मिलने की। एक बार को फ्रेंड जोन में आ जाना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंफर्ट जोन में पड़े रहना तो तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम अपने बलबूते पे एक घास का तिनका भी उठा फेंको। आए बड़े कंफर्ट जोन में आने, क्या सोचते हो ये दुनिया आसान है, तुम्हें जीत दिला देगी, तुम कुछ भी पालोगे, तुम कुछ भी कर लोगे, इतना वो। और किस गलत फहमी में रहते हो तुम लोग कि सर मेरे पास 6 महीने हैं, मेरे पास 1 साल है, मैं ये कर दूंगा, इतने में तो बहुत कुछ हो जाएगा। पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ ना, और किसी दोस्त का हो गया जो तुमसे कमज़ोर था, तो कॉन्फिडेंस गिरता नहीं है, धरती के अंदर धंस जाता है। फिर 2 साल लगा दोगे तुम खोद के निकालने में उसी कॉन्फिडेंस को। जानना ही है तो समझो, ये जो तुम्हारा जीवन का आईना है ना, इससे धूल हटा के देखो। इस धूल, ये धूल जो है ना, धूल यही तुम्हारा आलस्य है, तुमको कमज़ोर बनाए बैठा है। ये आलस और ये जो तुम्हारा आराम है, ये तुमको तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन है कि तुम्हें अगर ट्रैक पे अकेला ही भगाए तो भी तुम आखिरी आने वाले हो। अकेले भागोगे तो भी आखिरी आओगे, जीत नहीं पाओगे। हिम्मत करो, कलेजा रखो, दिखाओ कुछ दम है तुम्हें। जब वही आम आदमियों की तरफ पड़े रहने वाले हो जो सब पड़े रहते हैं, वही 4 क्वेश्चन, वही 2 क्वेश्चन, ये हर साल यही देते रहना, बाहर निकलो। अरे अपने लिए इज्जत तो कमाओ, कौन करता है तुम्हारी इज्जत, है क्या तुम, तुम्हारी कीमत क्या है, हिम्मत दिखाओ। रामभाई सिंदनकर जी ने कहा है कि जो बड़ी चीज़ें होती हैं बड़ी मुश्किलों में विकास पाती हैं। बड़ी हस्तियाँ बड़ी मुश्किलों से अपने आप को महान बनाती है। अकबर 13 साल की उम्र में अपने पिता के दुश्मन को हराने में कामयाब हुआ था। जानते हो क्यों? क्योंकि उसका जन्म रेगिस्तान में हुआ था, और वो भी तब जब उसके पिता के पास मास्त कस्तूरी नाम को छोड़ के और कोई धन दौलत छोड़ के नहीं गया था उसके लिए। महाभारत के युद्ध में जो सेनानी थे वो लोग कौरवों के साथ थे, लेकिन जीत किसकी थी? पांडवों की। क्यों? क्योंकि कौरव आराम कर रहे थे, उन्होंने लाक्षाग्रह की मुश्किलें नहीं झेली थी, उन्होंने वनवास नहीं काटा था, उन्होंने धूप घाम पानी पत्थर इन सब चीज़ों की वो नहीं दिखी थी, छोड़ के भाग उठते। विंस्टन चर्चिल ने भी कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। जो हिम्मत है जिस इंसान में वो कुछ भी कर सकता है, और हिम्मत नहीं तो कुछ नहीं। और एक बात याद रखो, जिंदगी जीने की 2 सूरतें होती हैं। एक तो वो कि जिसे तुम पाना चाहते हो, जिसे वो करते हो, वो जीत जो चमकती हुई दिखाई देती है उस पर पंजा मारो, उसे पाड़ो, उसे पालो, उसे अपना बना लो। और कदम कदम पे मान लो अगर असफलता तुम्हारे पथ को रोके जा रही है तो तब भी अपने मन को अपने हिम्मत को तोड़ो मत। अगर कदम कदम पे उस असफलता जो है वो अपनी अध्यारी का जाल तुम्हारी सपनों के रोशनी में बुने जा रही है तो भी डिटराओ मत। और कौन कहता है कि जिंदगी को दाव पे लगाने पे मज़ा नहीं है? अरे एक बार को जब जिंदगी मंजिल सामने दिख रही होती है तभी तो कदम बढ़ाने में मज़ा आता है। और दूसरी सूरत ये, उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाओ जिनके जीवन में ना ज़्यादा अधिक सुख है और ना ही ज़्यादा अधिक दुख, क्योंकि वो सारी गरीब आत्माएं ऐसी गोधुली में रहती हैं जहाँ ना तो हंसी की आवाज़ सुनाई देती है और ना ही रोने की चिल्लाहट आती है, पता नहीं कहाँ जी रहे होते हैं। तो देखो, समझो, क्या करना है क्या नहीं करना तुम्हारे हाथ में है, किसे पाना है किसे नहीं पाना तुम्हारे ऊपर है। तुम आज क्या करते हो ये तुम्हें कल बताएगा, तुम्हारा नाम एक नाम रह जाएगा कि एक पहचान बनेगा, ये सब तुम्हारे ऊपर है। तो जाओ फतेह करो अपने डर को, अपने आलस को, अपने मन को और अपने मंजिल को।